मुसरीघाट थाना के पास इंडियन बैंक के एटीएम से रुपए की निकासी करने गई एक महिला का एटीएम कार्ड बदलकर साइबर अपराधियों ने 5 दिन पूर्व 69,000 की निकासी कर ली थी। घटना के 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी मुसरीघाट थाना में इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई। ताजपुर थाना क्षेत्र के अषाढ़ी निवासी स्वर्गीय नवल किशोर ठाकुर की पत्नी फूल कुमारी देवी ने डीएमएसपी व डीएसपी को अलग अलग आवेदन देकर इस घटना की प्राथमिकी दर्ज कराने और घटना की जांच कराने की मांग की। आवेदन देने के बाद मुसरीघाट थाना पर डीएसपी से मिलकर घटना की जानकारी भी दी गई। सदर डीएसपी ने प्रभारी थाना अध्यक्ष को मौखिक रूप से प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। उसके बावजूद भी 24 घंटे बीत गए लेकिन अब तक मुसरीघाट पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं कर पाई है। प्रभारी थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि आवेदन घटना के दिन ही मिला था। आवेदक को दूसरा आवेदन देने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा आवेदन देने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज। 8 तारीख के दिन 8/5/2022 वो सामने थाना के सामने इंडियन बैंक का एटीएम है। उस एटीएम में मेरी बहन पैसा निकाली। वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो कि उसका एटीएम चेंज कर दिए और चेंज करके और थोड़ी देर के बाद वो पैसा वहाँ से जगदम्बा पेट्रोल पंप से निकाल लिए और एक दो जगह और है, 3 जगह से निकाले हैं। तो कितने की लगभग निकाली? 69,000 रुपया निकाल लिए। अच्छा, इसका आवेदन हमने 8 तारीख में ही सेम डेट में दिया पुलिस को। अच्छा। लेकिन पुलिस अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया है, केस दर्ज नहीं किया है। और जबकि उसका CCTV फुटेज है, सब कुछ है। उसके बाद तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस तो क्या कहेगी? पुलिस तो आज के डेट में कह रहा था जो डेट बदल के दीजिए आवेदन। अच्छा। तो हम डेट बदल के, हमको तो पुलिस के भाषा से प्रतीत होता है कि चोर, पंप और पुलिस तीनों का तालमेल है, तीनों मिल के ही ऐसा करवाया है। और क्या है? अब क्या कहना चाहेंगे आगे? आगे हम क्या कहेंगे? अधिकारी लोग इस पर कार्रवाई करें, पुलिस पर कार्रवाई करें, पंप पर कार्रवाई करें, चोर को खोजें सीसीटीवी फुटेज देख के। और क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार झा।